भाई के चेहरे पे स्माइल देखो ना। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो आपने देखी थी जब मैं नजरान पहुंच गया था और नजरान के बाद सीधा मैं यहीं पे लैंड हो रहा हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं शारिक और तारिक भाई। शारिक भाई और तारिक भाई से मैं मिला आज सुबह। बेसिकली सीन क्या है कि शारिक भाई और तारिक भाई दे आर बोथ फ्रॉम इंडिया। भाइयों के पास आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड सीन समझाते हूं कि अभी तक मेरे साथ हुआ क्या है। मैं था साउथ सऊदी में उधर नजरान की तरफ, और नजरान में मैं थोड़ा बहुत घूमा, मेरे को वहाँ पे इतने मज़े नहीं आए। मैंने एक दिन वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बनी। फिर नजरान के बाद मैं आ गया आभा में। आभा में मैंने वीडियो बनाई लेकिन वहाँ पे भी मेरे को इतने मज़े नहीं आए। और मैं साउथ सऊदी से ऑलमोस्ट ये हो गया कि नहीं यार, मैंने गलत जगह चूज़ कर ली। और यहाँ पे पहुँचने के बाद शारिक भाई भी बोल रहे थे, क्या कह रहे थे अब साउथ सऊदी के बारे में? भाई कह रहे थे कि साउथ सऊदी में आपको वो मज़े नहीं आएंगे जो आपको जब आप नॉर्थ सऊदी में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़े बड़े सेंड्यून्स मिलेंगे और बाकी कल्चरल हेरिटेज भी जो मेन है वो नॉर्थ सऊदी में है। तो इस कारण से साउथ सऊदी से बोर होके मैं आ गया जेद्दा में। जेद्दा में आए हुए मेरे को हो गए 2 दिन। अभी हम जा रहे हैं जेद्दा के मिनी इंडिया की तरफ, जहाँ पे मोस्टली आपको इंडियंस और पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एरिया मिलेंगे। यहाँ पे इंडियन स्कूल है और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। इंडियन स्कूल कितने का है यहाँ पे? कितने इंडियन स्कूल है यहाँ पे? यहाँ पे 2 है, गर्ल्स सेक्शन और बॉयज सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है? नहीं, कोई एजुकेशन अलग अलग। इवन चाहे वो बाहर के स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी कोई एजुकेशन नहीं है? कोई एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। और आप कभी इंडिया के स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़े हो कुछ टाइम के लिए? हाँ, वहाँ इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, इंडिया में पढ़ा हूँ ना मैं। बेसिकली यहाँ पे 8 तक पढ़ा हूँ मैं, 8 स्टैंडर्ड तक। यहाँ पे उसके बाद इंडिया चले गए थे? उसके बाद इंडिया चले गए। तो यहाँ में और इंडिया में क्या डिफरेंस लगा आपको उसमें, जो स्टूडेंट लाइफ में? उसमें वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम है, वहाँ पे अब जैसा कोई एजुकेशन रहता है। अच्छा, यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है। और जब आप वहाँ पे गए तो आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी एकदम से, सडन स्कूल के अंदर माहौल चेंज हो गया हो? हाँ, ऑफ कोर्स, कोई एजुकेशन स्कूल में मुझे जाने के बाद स्टार्टिंग में शर्म आती होगी ना लड़कियों के साथ बात करने में। तो और अभी भी यहाँ पे कोई एजुकेशन स्कूल नहीं? नहीं अभी भी। कुछ प्लान है आने के या फिर अभी? नहीं, आई डोंट थिंक सो के ये लोग लाएंगे। दिस इज अ गर्ल्स स्कूल और इस स्कूल का फाउंडेशन स्टोन 1982 या 83 में इंदिरा गांधी ने रखा था इस स्कूल का। हाँ, दिस इज अ गर्ल्स स्कूल जो लेफ्ट पे दिख रहा है। इसके अंदर बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई। तो ये इंडियन स्कूल है एंड इट्स रन बाय इंडियन एम्बेसी। इट्स रन बाय। अभी हम हैं अजीजिया एरिया में और मोस्टली यहाँ पे आपको इंडियन और पाकिस्तानी मिलेंगे। पाकिस्तानी भी है ना इसमें? पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तानी का जरा अलग एरिया ऑपोजिट मिलेंगे आपको। अच्छा, ये साइड पूरे लेकिन इंडियंस रहते हैं। यहाँ पे आप अगर आएंगे पूरे पार्क में इंडियंस रहते हैं हमेशा यहाँ पे, बिल्कुल सामने जो आप ये स्कूल देख रहे हो, ये स्कूल रन करती है इंडियन एम्बेसी। स्कूल का नाम क्या है? इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है ना? नहीं, सीबीएसई है। नहीं नहीं, स्कूल को रन करने वाली इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी और हायरिंग वगैरह सब इंडियन एम्बेसी। और जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी गवर्नमेंट की पेरोल पर। काइंड ऑफ यू मान ले केंद्रीय विद्यालय, काइंड ऑफ करेक्ट, सॉर्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जिद्दा, ऐसा पार्क करता हूँ। अरे, करिकुलम सीबीएसई। तो आप भी वही जो सेम इंडिया में बुक चलती है वही? सेम वही। इनफैक्ट हम लोगों के पेपर्स भी यहाँ के दिया जाते हैं करेक्शन होने के लिए। अच्छा, जो आपके बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपको इंडियन से? तकरीबन आई थिंक 99% स्टूडेंट। कोई कॉलेज भी है फिर यहाँ पे इंडियंस का? नहीं नहीं, फिलहाल। और जो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह है, लेकिन वो उतना मतलब इंडिया से इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट फ्रॉम द एम्बेसी। अरे, हिंदी में भी लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय भारतीय विद्यालय जिद्दा। तगड़ा सीन है यार ये। और भाई जान, आपकी फीस कितनी थी इसमें स्कूल में? बैक व्हेन आई वाज इन द स्कूल मेरे ख्याल से 250 रियाल्स थी। 250 रियाल्स पर मंथ, पर स्टूडेंट, पर मंथ? पर मंथ। नाउ आई थिंक बढ़ गई हो, I think it's 400 currently. अच्छा, इस वर्ष के अंदर टीचर भी आपके सारे इंडियन होते हैं? सब इंडियन।
और यहाँ पे अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेंगे? केरलाइट्स, उसके बाद हैदराबादीज मिलेंगे, हैदराबादीज, फिर उसके बाद सब नॉर्दर्न साइड के, नॉर्थ साइड के कम है क्या? थोड़े साउथ के ज्यादा है, ज्यादातर साउथ साइड के लोग मिलेंगे आपको, केरला और हैदराबाद और इन मेजॉरिटी। और हाँ, आप मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पे डीपीएस भी है। हाँ, यहाँ पे डीपीएस भी है भाई, यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, और वो इंटरनेशनल में ही आता हो ना? हाँ, वो सीबीएसई फॉलो, सीबीएसई फॉलो करता है, वही सिलेबस फॉलो करता है वो, बट मैं हैदराबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ। ये इसका एमबीसी के साथ कोई लिंक नहीं है, काइंड ऑफ प्राइवेट प्राइवेट एंटिटी है, बट सीबीएसई बोर्ड ही फॉलो होता है। अरे ये तो एकदम अपने इंडिया टाइप बंगलो टाइप है। ये आगे स्ट्रेट इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जिद्दा बॉय सेक्शन, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में। और ये आपका स्कूल है ना भाईजान? भाईजान का मैं तो थोड़ा बड़े मजे किए होंगे ना यहाँ पे? मजे कितने होते थे स्कूल, मतलब कि इंडियन स्कूल लाइफ मस्त है या फिर यहाँ पे मस्त है? बसड़ होती थी स्कूल में? होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, सब मस्त है, बहुत सारे लड़ाई होती थी। अच्छा बेंचमार्क है लोगों को मालूम था। भाई और है हैदराबाद से, और भाई और की जो हिंदी है ना वो एक अलग टाइप का एक्सेंट, और मस्त लग रहा है, मैंने मूवीज में ही देखी है ये, तुम ऐसा करेंगे तो मैं तेरे को मारेंगे इस टाइप वाली। दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैं किसी हैदराबादी से मिल रहा हूँ, सच में लैंग्वेज को बहुत बुचर किया गया है मूवीज में। जिद्दा के अंदर भी एक बहुत मस्त चीज हो रखी है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे भी एक वर्चुअल बॉर्डर है, अभी अजीजिया एरिया में ना? हाँ। अजीजिया के बिल्कुल बीच में, तो अजीजिया के एक तरफ है इंडिया वाला एरिया और दूसरी तरफ है पाकिस्तान वाला एरिया, ये भी जो बीच में है ये है हमारा बॉर्डर, पाकिस्तान में एंटर होने वाला। अच्छा पाकिस्तान में एंटर होने वाला है, ओके। अच्छा उधर इंडिया है और ये पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तानी शॉप्स वगैरह नजर आएंगे। अच्छा एकदम सामने, एकदम सामने, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, राइट, ये इंडियन रेस्टोरेंट, ये पाकिस्तानी और ये इंडियन, ये इंडियन है, वो लाहौरी कुलचा है, ये हैदराबादी किंग्स रेस्टोरेंट है। अरे हाँ वही तो, ये पूरे पाकिस्तानी स्कूल मतलब ड्रेसेस की दुकान है ये। लेकिन अजीजिया में मिल ली आपको इंडियन और पाकिस्तानी, इंडियन दोनों मिलेंगे आपको, देसी एरिया है टोटल। और बांग्लादेशी मेले किधर रहते हैं फिर? बांग्लादेशी इसका थोड़ा अलग एरिया, अलग एरिया है, या फिर वो सेग्रीगेटेड है? नहीं अलग एरिया है उनका। अच्छा। मतलब इट्स लाइक 85% पाकिस्तानीज और उधर 85% इंडियन, 85 वहां पे तो 90-99% इंडियन है। हां तो ये पूरा पाकिस्तानी एरिया है, पाकिस्तानी स्कूल जिद्दा। ठीक ठीक ठीक, कभी ऐसे लड़ाइयां भी होती हैं क्या स्कूल में आपस में पाकिस्तानी इंडियंस में कि भाई साहब इधर मत आना तू? हुई थी। मैंने अभी तक सऊदी अरेबिया के अंदर कुत्ते उत्ते नहीं देखे, लेकिन ये बिल्लियां बहुत ज्यादा है। बिल्लियां हमारे पास बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते लोग, इनको खाना भी बराबर डालते हैं, और मिठाइयों की दुकान है वो इंडियंस की है, पाकिस्तानियों की है, फिर मिक्सअप है? ज्यादा यहाँ पे मिठाई की दुकान है पाकिस्तानियों की है डोमिनेटेड, रेस्टोरेंट ज्यादा इंडियंस की है, दोनों की इक्वली है, लेकिन मिठाई के उसमें पाकिस्तानियों के ज्यादा है और रेस्टोरेंट ज्यादा इंडियंस के है। हाँ बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि इंडियंस जितने भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा रेस्टोरेंट्स में करते हैं। हाँ। बगाले ज्यादा जो ये रहते दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर्स उसमें ज्यादातर केरलाइट्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा। भाई अभी अंदर मिठाई खरीदने चले गए, तो जैसा अभी तक मैंने फील किया है यहाँ पर जो इंडियन एरियाज हैं उनके अंदर आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर हो? इजीली इंडिया में ऐसा माहौल हो सकता है, बस आप लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए, मोस्टली यहाँ पे अरेबिक दिखेगी आपको, लेकिन अरेबिक लेटर्स की जगह अगर आप अंग्रेजी या फिर कुछ दुकानों पे थोड़ी बहुत हिंदी लगा दोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आप इंडिया में हो या फिर सऊदी में हो। जो कल्चरल इन्फ्लुएंस अपना है ना वो भी यहाँ पे कम नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी जगह अपना अच्छा खासा कल्चरल इन्फ्लुएंस है। अभी आप यहाँ की गलियाँ देखिए, मेरे को लगता नहीं इंडिया से कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क है, ऐसी है वैसी है, मतलब अजीजिया थोड़ा दिखता है वैसी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी पूरा एकदम इंडिया वाला माहौल है। पुराना घर यहीं था हम लोगों का, जरा आगे जाओ। अच्छा पुराना घर यहीं पे था, हमारे पास सऊदी किस चीज को लेके क्रेज है? फुटबॉल, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये क्लब है। अच्छा मतलब ये प्रैक्टिस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह चलती है, एक जमाने में मैचेस भी होते थे यहाँ पे। और यहाँ पे लीग भी है क्या फुटबॉल में? जैसे सऊदी फुटबॉल लीग है ना, और कैसे अच्छी खासी चलती है क्या? अरे बहुत क्रेज है यार,
थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा यार मिलके। दीपांशु भाई कभी भी कॉल कर सकते हैं आप, आपका घर है यहाँ, बस याद रखो जद्दा में। ओके ओके यार, ओके मेरे भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम भाई, ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे, कैसा? बिल्कुल यार, फॉर श्योर, इधर हैदराबाद और जद्दा और समवेयर एल्स। ओके यार, थैंक यू भाई, बाय बाय। आपको एकदम राजस्थान की हवेलियों वाली फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पर इन बिल्डिंग्स को देख के? थोड़ी बनारस की भी फील है यहाँ पे, लेकिन देखो बनारस का रंग अलग होता है और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। गली संकरी संकरी है एकदम। कल रात को तारिक भाई और शारिक भाई के जाने के बाद अंधेरा काफ़ी हो गया था, फिर मैंने यार अब वीडियो नहीं बनाते हैं, सुबह मैं थोड़ा और घूमने वाला था। मस्त है यार ये एरिया, जिद्दा के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और उनके अंदर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ रहे हैं और उनके जगह पर नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। यूँ मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी है उसको ब्रेक कर रहे हैं, बाकी अगर कोई भी 60 या 70 साल से पुरानी बिल्डिंग है उनको प्रिजर्व करके एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट या कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कल रात में आपके ऊपर गुस्सा थोड़ा सा हो गया। क्या हो गया? आप वीडियो बहुत लेट डालते हैं। अच्छा अभी मैं यहाँ पे बना नहीं रहा था तो अब ये इस जगह का नाम क्या है? ये सुख मार्केट सुख जामा है। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ यूपी। अरे लखनऊ से हैं? अच्छा, सब लखनऊ वाले जितने। अच्छा, इधर सब लखनऊ वाले, ये पुरानी ये हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है? यही हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट। अब आप समझ सकते हो कि हमारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में है। मैं इधर से जा रहा था और पीछे से सिद्दीकी भाई साहब की आवाज़ आती थी, दीपांशु भाई, और भाई ने आते सबसे पहले शिकायत की कि आप वीडियो बहुत लेट डालते हैं। इससे पहले वाली जो आपने वीडियो देखी थी उस टाइम मैं था नाजरान में, और नाजरान में था आज से लगभग 5 दिन पहले, बीच में 5 दिन बीत गए लेकिन मज़े नहीं आ रहे थे, और जब तक आपको मज़े नहीं आएंगे आप वीडियो बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो फन नहीं होगा। ये बिल्डिंग भी पुरानी है भाई? ये होगी 100 साल से ऊपर। अच्छा, जैसे बनारस की पुरानी पुरानी गलियां नहीं होती हैं वो ऊपर से, वैसा सही लग रहा है। सुख दुबई, ये मार्केट पूरी अपने नॉर्थ इंडियन लखनऊ सब बैठे। अच्छा, सब लखनऊ भाई हैं ये, पूरी सुख दुबई कहलाते ये, इसमें नेता भी बैठे भाई, ये सब पार्षद है। अरे पार्षद है? ये पार्षद साहब लखनऊ के। कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? कैसे भाई जान? कैसे? अरे भाई साहब, ये हमारे प्रधान जी थे, इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, इलेक्शन। अच्छा, बस नसीब नहीं था, थोड़े 10-15 वोटों से हार गए। ये हमारा एक हरदोई जिला पड़ता है, हरदोई जिला आप गूगल पर देखिए, सबसे अच्छा है। नरेश अग्रवाल थे, नरेश अग्रवाल हाँ सांसद हैं उनके। अच्छा भाई के चेहरे पर स्माइल देखो ना। क्या कहते हैं मालूम है? मजाक में इनको हम लोग कहते हैं अपने जो होम मिनिस्टर है अमित शाह। इनको लोग बता दो ये दीपांशु भाई ऐसे नहीं बना रहे, 500 वीडियो इनके ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। ते दुबई मार्केट बोलते हैं इसको, दुबई सुख। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? दुबई सुख ऐसे नाम पड़ गया, लोगों ने रख दिया वो तो दुबई हो गया। अच्छा, आप कहीं भी जद्दे में जाओ सऊदी अरब पहुँच लो दुबई। तो अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। सबसे सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड सबसे ऊपर यमनी, दूसरे पे इंडियन, तीसरे पे बंगाली और चौथे पे पाकिस्तानी। कैसे हो भाई जान, कहाँ से आप? पाकिस्तान में? किधर? कराची से। अच्छा, इसके पास भैंसे बहुत हैं यहाँ पे या कराची में? कराची। नाराज हो गए क्या? नाराज हो गए? अमित शाह नाराज हो गए? भाई का नाम अमित शाह रखा हुआ है क्योंकि भाई के देख।
तो भाई जन पुराने टाइम पे जो फंदूक होते थे, जो होटल होते थे, वो इसी एरिया में होते थे? हाँ, ये जिधर से आप निकले थे, हाँ हाँ, वही सब होटल ही थे वो लाइन से पुराने टाइम में। पुराने यही मार्केट से वो ढूंढ रहा था, कोई बता ही नहीं पा रहा था मेरे को ढंग से। सुख बद्दू मतलब यहाँ के जो ट्राइबल लोग है वो, पुराने साउथ। मैं इसी टाइप के मार्केट ढूंढ रहा था यहाँ पर, और अभी तक मेरे को मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा कि मेरे को यार पुराने टाइप के बाजार चाहिए, जैसे ईरान में लगते हैं, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, अपने इंडिया में, तो समझ नहीं रहे थे। सुख बद्दू, तो अगर आप कभी जेदा वेदा में आ रहे हो तो इस मार्केट को मैं ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से, तो आइए आप सुख बद्दू में। ऊपर एकदम टिन का वो मिलेगा, तो मार्केट में घूमते टाइम आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। साइड में लगभग 100 साल पुरानी दुकानें होंगी, 100 से ऊपर हैं ये सब। तो इस मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं वो लगभग 100-150 साल पुरानी है। ये यमनी भाई है ना? ये अच्छा इधर सब चक्की वक्की है। तो दुकान में पहुंच गए एक भाई, मोटा हो रखा हूँ थोड़ा इस कारण से शायद। क्या बोल रहे हैं ये, सब ठीक है क्या? सलवार तो नहीं होगी मेरे पास कोई। कैसी है सलवार? चाहे जैसी हो पहन लो, जींस की हो, नीचे वो जो हाफ पहनते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन काले रंग में होगा मेरे पास। क्या करना है, इनको है क्या कोई शॉर्ट्स अगर देख लो अगर है, है तो सलवार भी। कितने का है, कितने का होगा सलवार? सलवार अभी भाई के साथ जब मैंने ये सारी चीज़ खरीदी ना, एक हेड स्काफ भी लिया मैंने, फिर वो ब्लैक ब्लैक जो ऊपर लगाते हैं वो भी लिया, और साथ में पूरा टॉप भी लिया। इन सब के लिए मैंने पे किया 90 रियाल, और अगर मैं अकेला आता तो ईजिली ये मुझसे 200 रियाल तक ले लेते। तो भाईजान के कारण मुझे लगभग लगभग 2200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। जेदा के साथ सीन क्या है कि जेदा पुराने टाइम से एक काइंड ऑफ हब था। एक तो बड़ा पोर्ट हो गया वो, क्योंकि जेदा है रेड सी के ऊपर, जो भी पुराने टाइम में हज करने आते थे या फिर मक्का मदीना में आते थे उनको जेदा आना ही पड़ता था, और आज ही वही सीन बना हुआ है। तो इस कारण से जेदा एक काइंड ऑफ कॉमर्शियल हब भी है और रिलीजियस हब भी है। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट को ये बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं अभी, ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। अंदर अभी लोग नहीं है ना, वो बस लोग सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, ये शुक्रिया राजीव भाई। कैसे भाई जान? मोहसिन। आप भाई जान? वसीम। जुनैद अहमद। ये हमारे इमाम भाई हैं, इनको कम से कम 30-35 साल हो गए। और आपको भाईजान? हमको हो गए 15 साल, इनको हो गए 20 साल। सब उधर से हैं क्या? लखनऊ? जी, ये 30 साल वसीम भाई हमारे, सब लखनऊ मलियाबाद। ये छोटा बेटा, आप इलाहाबाद से? मलियाबाद किधर है ये? दशहरी, आप देखो यूट्यूब। अच्छा, लखनऊ यहाँ का आम मशहूर है, जहाँ पे। अच्छा, ठीक। यहाँ पे हमारे कलीमुल्ला साहब राष्ट्रपति ने जो 52 रंग का आम निकाला एक। अच्छा, जो श्री खुदाफिज़। ओके, नमस्कार भाई। ओके, मैं अगली बार जब आऊँगा ना तो पक्का आपके घर दावत लेके जाऊँ। ओके, बाय बाय भाई। ये गलियाँ तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही हैं। वापस से मैं मेरे होटल की तरफ निकल रहा हूँ, उसके बाद मुझे मदीना की ट्रेन पकड़नी है। तो आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये लाइफ है हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स की साउथ अरेबिया के अंदर। तो बस यार, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।